भाई यहीं पे लेवल अप रहा है की टीम थोड़े प्रॉब्लम दिख रही है बट यहीं पे डीआरएस की फाइट हो चुकी है, दिनेश और पावन डाउन हो चुके हैं, इमॉर्टल को भी लिया जाएगा। हानी आखिरी प्लेयर बचे हैं यहाँ। फेज टू का डे थ्री है आप और आप लोग देख रहे हैं जोश ऐप प्रेजेंट्स ईस्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज पावर्ड बाय हेल एनर्जी ड्रिंक। स्क्रिप्ट टीयर है उनके साथ, तुषार भी है, देखना पड़ेगा क्या ये कंटिन्यू रखते हैं। यस यहाँ पे फाइट एंड अभी सब एक ही घर में, हिटमैन को मालूम है हिटमैन अपना नेट तैयार करें, नेट कितना डैमेज एंड देखना पड़ेगा नमन यहाँ पे क्या कर पाएंगे। नमन घुसते अंदर शॉट से पूरी कोशिश करें, सेकंड फ्लोर पे उन्होंने अपनी यूनिट बनाई बट पावन यहाँ पे रिवाइव होकर एक और लेते हैं, हनी को फिनिश कर दिया है, दोनों ने एक एक क्लियर खो दिया है वहाँ पे। तनु भी यहाँ पे डाउन होंगे, नमन और गुरप्रीत हमें पता है ड्यूअल पेनिट्रेट करने में ये वेपन कितना हेल्प कर सकता है। चार्ट भाई की टीम आ चुके हैं, चार्ट जिन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया था, क्या ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया था चार्ट भाई ने। अभी ग्रोजा के साथ स्पैम कर रहे हैं, पीछे जाएंगे अपनी टीम में रिवाइव करेंगे, जैसे रिवाइव करने के लिए बैठेंगे मुश्किल बन सकते हैं। तो के प्लस कोशिश यही करेंगे कि के पास भी आए, नंबर ऑफ किल्स उनका बहुत ज्यादा होने वाला है अगर ये मैच जीत जाते हैं तो, एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। बट आशुतार वो भी ग्रेनेड लॉन्चर लेके आए हैं, उन्होंने एक प्लेयर को टेक डाउन किया, उसके को ऑलरेडी टेक डाउन किया जा चुका है। एंगल एंड सामने की तरफ रॉनी नेगी बचे हुए हैं, ये नेड आशुतार का यहाँ पे लेवल में त्रासु का खेल खत्म कर सकते हैं। रॉनी नेगी बहुत ज्यादा डैमेज देंगे, साइड पे एंगली बचे हुए हैं रिवाइव देने की कोशिश करें बट रॉनी नेगी यहाँ पे प्रेडेटर को फिनिश किया जा चुके हैं। आशुतार अपना ग्रेनेड लॉन्चर निकालने की कोशिश करेंगे, नेड से कितना ज्यादा स्पैम किया जा रहा है, ये नेड का खेल बन चुका है। कोई प्लेयर यहाँ पे गन निकाल के फाइट ले नहीं रहा है, देखिए नेड यहाँ पे टेक डाउन। ये गेम केविन ईस्पोर्ट्स के खाते में ही जा रहा है क्योंकि एंग्री जब तक घुसेंगे तब तक फॉर श्योर यहाँ पे केविन ईस्पोर्ट्स के प्लेयर को पुश करने की कोशिश करें बट व्हाई क्यों जाना है जोन के बाहर, SF5 को देखना पड़ेगा क्या करते हैं। डिक्री तो आगे पुश कर क्यूलिस ईएस के प्लेयर्स को फिनिश ऑफ कर दिया गया है एंड सेकंड मैच कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं एम गॉट डोंट नो क्या हो गया उनको सडनली क्योंकि देखिए क्रोनो के शील्ड के अंदर घुस के यहाँ पे प्लेयर्स अभी चढ़ने वाले, पवन को टेक डाउन किया जा चुका है, आशु स्टार इज ऑन फायर करेंटली, हनी को अगर टेक डाउन। ओपन में यहाँ पे भाग रहे हैं RBL रॉनी हमारे स्क्रीन के सामने आ चुके हैं, RBL रोहित यहाँ पे टेक डाउन करते हैं, टी INDL यहाँ पे ऊपर पुश जरूर कर रहे हैं बट आई डोंट थिंक इनका पुश यहाँ पे सक्सेसफुल है। केविन ईस्पोर्ट्स के कौशिक को टेक डाउन कर दिया है एंड देखिए यहाँ पे तो गुरु किंग फिशर लेके कोशिश कर रहे हैं कि ग्लू वॉल तोड़े यानी एक नेड के डैमेज से कौशिक को फिनिश ऑफ करने की कोशिश, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों बट फिर से यहाँ पे एक अमेजिंग परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा या तो एडम को या तो आशुष, फिर से यहाँ पे एक अमेजिंग परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा या तो एडम को या तो आशुष स्टार को बट इस बार फिर से एक और बार इंपॉर्टेंट उनके जाएगा। उनका शील इंस्टेंटली एक्टिव करके बट इस बार घुस चुके हैं गुरु, उनके हाथ में टॉमी था, एडम भी टेक डाउन हो चुके हैं, बहुत ज्यादा अमेजिंग सिचुएशन बट आशुष स्टार फिर से डबल फैक्टर के साथ ये प्लेयर को रोक पाना बहुत हिटमैन दिख रहे हैं। देखिए फुल केओटिक माहौल बन चुका है यहाँ पे, लेवल अमित्रासु के प्लेयर्स के हाथों में मैक्स 7 नजर आ रहा है, रॉनी नेगी यहाँ पे नेट स्पैम करने वाले हैं, देखिए एक एक नेट से यहाँ पे जिस तरीके से प्रिसाइज नेट ये काबिले तारीफ है। इंपॉर्टेंट है ये फाइट को कन्वर्ट की करे वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा सामने लेवल अमित्रासु के प्लेयर्स की कोशिश थर्ड पार्टी करने की बट पे बट यहीं पे लेवल अमित्रासु की फाइट हो चुकी है, हर्ष के साथ हर्ष उनके सामने आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सी कि हर्ष आगे बढ़ सकते हैं। माल्टी को भी यहाँ पे कि कौन सी टीम ने निकाला है पुया, वो पुया मैं देखना चाहता हूँ, चार्ट भाई की टीम। प्रो भाई यहीं पे लेवल अमित्रासु की टीम थोड़े प्रॉब्लम दिख रही है बट यहीं पे डीआरएस की फाइट हो चुकी है, दिनेश और पावन डाउन हो चुके हैं, इमॉर्टल को भी लिया जाएगा, हानि आखिरी प्लेयर बचे हैं यहाँ। रिवाइव होना ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पा रहा है बट शिवम डेंजर चुके हैं और कवर देखिए बहुत कम नजर आ रहा है, शिवम देखिए बहुत दिक्कतें फंस चुके हैं, हाथ में MP5 लेकर पुश करेंगे बट उसको पहले स्टैंड ही निकालते डाउन हो जाएंगे रवि और टोटो, काफी ज्यादा खतरे में, एक नेट उधर गया, एक नेट इस तरफ भी है, बड़ी हैकर को रवि वहां पे टेक डाउन करेंगे, रवि पीछे से जाके व्हिच इज वेरी वेरी गुड फॉर देम। फाइट शुरू हो चुका है एंड तनु यहाँ पे डिटर्न करेंगे चला रेट को बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल बट नंबर को डिटर्न किया जाएगा लास्ट टाइम नंबर कैप्टन के लिए बेहतरीन है, उसको भी पता है कि वो ये स्नाइपर से एडवांटेज कर सकते हैं बट ये नेट किरीतो के लिए बॉन्ड कर लोगों बट नहीं टू वॉल के कोने से लग के पीछे गया चार भाई को डैमेज पड़ता है, तनु ने यहाँ पे उनको डिटर्न चलाया है कि नहीं देख सकते हैं बच जाएंगे इसीलिए क्योंकि वो एज अ डिफ्यूजर हमेशा काम करता है। Yes, and यहीं पे देखिए शॉट लिए जा रहे हैं वहां पे टीम नंबर 4 के प्लेयर्स डाउन हो जाते हैं, एक प्लेयर बचे क्या वो रिवाइव दे पाएंगे, RBL रोहित और रॉनी उनके पीछे, टीम नंबर 2 इस बार भी फायर पे आ रही है, RBL की टीम को पता नहीं इस गेम में क्या हो गया, RBL ट्राई यहां पे या फिर RBL के स्टैनली यहां पे क्लोजिंग कर रहे हैं, उनके हाथ में इमीडिएट 7 है, बहुत ज्यादा क्योटिक होने वाला है ये फाइट क्योंकि ये फाइट हो रहा है सेमीफाइनल्स में जाने के लिए, नेट स्टैनली को टेक जाएगा कौशिक, क्योटिक होने वाला है ये फाइट क्योंकि ये फाइट हो रहा है सेमीफाइनल्स में जाने के लिए, नेट स्टैनली को टेक जाएगा कौशिक, बहुत ही बेहतरीन
एक ग्रेनेड का फायदा उठाते हुए प्लूटोन के बाहर से घूम के आ रहे हैं, पानी के अंदर है, ये स्ट्रक्चर के नीचे आ चुका है, स्विम कर रहे हैं यहाँ पे। ऊपर की तरफ रेबल है, रेबल यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं, बट क्या रेबल करना पड़ेगा, रेबल पूरा निकल के जाएंगे एरिया पे, कोई कंटेस्ट करने के लिए आएगा नहीं, ये तो हो नहीं सकता। बट K98 के प्लेयर्स क्या यहाँ पे निकाल पाएंगे? ब्लैक टाकू को लेकर जा चुके हैं उनके हाथों में नेट है, टीम के ऊपर पता भी नहीं लगा, फ्यूचर को देखिए यहाँ पे ऑलरेडी पुश कर चुके हैं, रोशन आते हैं उनको बताने के लिए, क्या थोड़ा सा उनको क्विक हील यहाँ पे मिल जाए, भाग तो जरूर रहे हैं, बट यहाँ पे टीममेट्स को बचा नहीं पाएंगे। एक और ग्लोबल डिप्लॉय की साइड में एंड पीछे से शॉट आ रहे हैं, रक्षक बन के फिर से थोड़ा डैमेज लेके आएंगे बाहर से, इस बार जाट फिनिश ऑफ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, केओटिक है, बहुत ज्यादा केओटिक है, बहुत ही तेज टीम लेते डोमिनेटर्स को एलिमिनेट किया जा चुका है, बहुत ही केओटिक फाउल है, अल्टीमेटली कौन पूजा निकाल के गया, एक और ब्लैक को डाउन करेंगे उनके हाथ में, ओ सोना ने डाउन किया, ब्लैक टाकू ने डैमेज किया था, बट इस बार ब्लैक टाकू विवेक को डाउन करेंगे, दिस टीम इज ऑन फायर क्योंकि आर्यन अकेले बचे प्लेयर है, एमएनडी ने निकल निकालेंगे सोनर यहाँ पे रावत को डाउन करें, तो वो जो गेट कीपिंग वाली फाइट की मैं बात करता हूँ, और भाई वो चालू हो चुके हैं यहाँ पे, एंड पीस बोर्ड के प्लेयर यहाँ पे फंटुश को पूरी तरीके से डाउन करेंगे। हम बहुत बार कह चुके हैं, हम बहुत बार खुद विटनेस भी कर चुके हैं, गोल्डन का एक करारा शॉट है एमएनडी का, कैपिटेटर करेगा क्यू एफ एंड नॉकेट पे डिस्मैच निकल हो चुके, यही बात में पीस बोर्ड के प्लेयर मैंने कहा कि अगर उनको क्वालिफाई होना है कि हर एक मेंबर को एलिमिनेट कर फॉर श्योर कांट क्वालिफाई नाउ क्योंकि उनको सबको मारना था, और बट यू नो 12 के पास जो टीम डी स्पोर्ट्स है उन्होंने फाइनली ये मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है, बट कैप्टन की टीम के लिए आई थिंक बहुत डिफिकल्ट जोन में एंटर कर पाना, प्रियांश यादव खत्म हो चुके हैं, डी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स ही उनको खत्म करें क्योंकि एक फॉरगेट टुडे की जर्नी तो खत्म हो चुकी है, बट एलएलबी का आयरन पूरी की टीम जिंदा है, यहां पे आयरन के एक केस तो प्ले को उनके जा चुके हैं, एल चाचा को रेड फिनिश करेंगे, यहां पे दुआ लिया तो नोटिफिकेशन से चुन आएंगे, बट दोनों के शील्ड के अंदर घुस के आप कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं ब्लू वॉल से एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है, रोशन उनके हाथों में ग्रेनेड लॉन्चर है एंड आयरन सभी की कोशिश कर रहे हैं, बुल्लू को डर के जाएगा एक ग्रेनेड लॉन्चर, पॉइंट पे थे अब कितने पॉइंट पे पहुंच गए हैं अभी, आई थिंक उनके यू नो किल्स यहां पे 12 हो चुके हैं, 9 पॉइंट मिलते 15 यहां पे 20 पॉइंट काफी नहीं होंगे, दे नीड दैट 12 पॉइंट एंड 4 किल्स 12 पॉइंट से ज्यादा उनके लिए 4 किल इंपॉर्टेंट है, आई थिंक एक और किल आरएनएस यहां पे, आरएनएस ने ठान लिया, आरएनएस बोल रहे हमें नहीं मैं आज होता है फेज 2 यहीं पे समाप्त, एंड अब वो वाला टाइम आ गया और भाई जब हम लेंगे अलविदा। आप लोग देख रहे थे जोश ऐप प्रेजेंट्स ई स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज पार्ट बाय हेलर्जी ड्रिंक।